नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुषों में बांझपन। दोस्तों, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। मेल इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुष बांझपन एक ऐसी समस्या है जिसमें पुरुष द्वारा प्रेगनेंसी संभव नहीं हो पाती है। इस बांझपन के बहुत से कारण हैं, जैसे कि शुक्राणुओं का सही तरीके से ना बनना, उनका घनत्व, और वो गर्भाशय तक पहुंचने में सक्षम है या नहीं। आज हम इन सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एक अनुमान के अनुसार 40 से 50% तक जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड समस्याएं हैं उनमें पुरुष बांझपन भी एक मुख्य कारण है, जैसे कि लो स्पर्म काउंट, वीर्य की गुणवत्ता। ये कुछ बहुत आम रीजंस हैं जो इसके पीछे हो सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार 90% तक मेल इनफर्टिलिटी के केसेस, यानी कि 90% तक जो पुरुष बांझपन के केस होते हैं वो लो स्पर्म काउंट यानी कि शुक्राणुओं की कमी के कारण होते हैं। इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक डिफेक्ट, ये सभी पुरुष बांझपन के कारण होते हैं। वीर्य की जो गुणवत्ता होती है उसको जांचने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार 4 करोड़ से लेकर के 30 करोड़ तक जो शुक्राणुओं की संख्या पर मिलीलीटर वीर्य में होती है वो एक नॉर्मल संख्या मानी जाती है। अगर आपका स्पर्म काउंट 1 करोड़ स्पर्म से कम है तो यह एक गंभीर समस्या है। जो दूसरी समस्या है वो है स्पर्म मोटिलिटी की, यानी कि स्पर्म की क्षमता कि वो गर्भाशय तक पहुंच पाता है या नहीं, जिससे कि प्रेगनेंसी संभव हो पाती है। अगर स्पर्म मोर्टैलिटी यानी कि स्त्री के शरीर में गए जितने भी शुक्राणु हैं अगर उसमें से 50% से कम गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते तो ये पुरुष बांझपन का एक कारण है। इसके अलावा स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी कि एक ऐसा पैरामीटर जो ये काउंट करता है, वीर्य को जब माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है तो उनका आकार सही है या नहीं, यानी कि उनके हेड और टेल दोनों होने चाहिए, यानी कि सिर और पूंछ। स्पर्म में ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग है तो उस शुक्राणु को हेल्दी कंसीडर नहीं किया जाता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो वीर्य में स्पर्म्स की संख्या होती है उसमें से 30% की जो शेप है वो नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि उसका हेड और टेल, सिर और पूंछ दोनों होने चाहिए। इसके अलावा जो वीर्य की संख्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रेगनेंसी के लिए, तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 2 से 5 मिलीलीटर के बीच होती है। इसके अलावा जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि वीर्य में जिंक, सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेस और अल्फा ग्लूकोसाइडेस की मात्रा मौजूद है या नहीं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पुरुष बांझपन का कारण बनती हैं। एक अनुमान के अनुसार 20 करोड़ स्पर्म्स जब मर्ज होते हैं, यानी कि 20 करोड़ शुक्राणु जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर कहीं वीर्य इकट्ठा होता है। उसमें से 1.5 से 2 करोड़ जो शुक्राणु हैं उनमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो जो फीमेल एग है उसको फर्टिलाइज कर सके। हालांकि सिर्फ एक ही शुक्राणु बहुत होता है एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन एक नॉर्मल केस में 1.5 से 2 करोड़ शुक्राणु जो हैं वो इस कैपेबल होने चाहिए कि वो फर्टिलाइज कर सके। दोस्तों, इस समस्या के बहुत से कारण हैं, जैसे कि स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो आपका मेंटल हेल्थ तो इफेक्ट करता ही है, इसके अलावा ये आपकी जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है उस पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिससे कि लो स्पर्म काउंट होना एक नॉर्मल बात है। इसके अलावा स्मोकिंग, जब आप धूम्रपान करते हैं जो उसमें तंबाकू होता है वो आपके स्पर्म काउंट को कम कर देता है और इसकी मोबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा जो धूम्रपान है वो शुक्राणुओं की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीना या फिर अगर आपका मोटापा जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है तो यह भी पुरुष बांझपन का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से भी जो आपकी स्पर्म की जो प्रोडक्शन है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं तो यह आपके टेस्टिकल्स को हीट कर सकता है, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्पर्म प्रोडक्शन पर। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि लो न्यूट्रिशन लेवल, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर इन्फेक्शन भी इसका एक कारण हो सकता है। जो एबनॉर्मल स्पर्म होते हैं
वो एक बहुत बड़ा कारण है प्रेगनेंसी ना होने के। जैसे कि हमने बात की कि स्पर्म काउंट, स्पर्म मोर्टिलिटी यानी कि स्पर्म की मूवमेंट गर्भाशय की तरफ, इसके अलावा स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी कि जो शुक्राणु है उसकी सही शेप और साइज। दोस्तों तीन तरह के रोग हैं जो कि प्रेगनेंसी को बाधित करती हैं, खासकर पुरुषों में बांझपन जो है उसका कारण बनती है। पहली है एजोस्पर्मिया। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बिल्कुल नील होती है यानी कि शून्य होती है। ऐसा तब होता है जब शरीर शुक्राणुओं को बनाना पूरी तरह से बंद कर देता है। इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। इसके बहुत से कारण होते हैं, सबसे मुख्य कारण तो होता है जेनेटिक। इसके अलावा आपका रहन सहन, और अगर आपको कोई बीमारी हो चुकी है टेस्टिकल से रिलेटेड तो ये उसका एक कारण हो सकती है। ओलिगोस्पर्मिया एक ऐसी समस्या है जिसमें लो स्पर्म काउंट होते हैं जो कि नॉर्मल से काफ़ी कम होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जो नॉर्मल रेंज होती है वो 2 करोड़ स्पर्म्स पर मिलीलीटर होती है, यानी कि 1 मिलीलीटर वीर्य में कम से कम 2 करोड़ स्पर्म्स होने ज़रूरी हैं। ओलिगोस्पर्मिया का जो मुख्य कारण है वो है हॉर्मोनल इम्बैलेंस और स्ट्रेस यानी कि तनाव। एस्थीनोस्पर्मिया, एस्थीनोस्पर्मिया एक मेडिकल टर्म है जिसमें जो स्पर्म मोटिलिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि जो शुक्राणु गर्भाशय की तरफ बढ़ते हैं प्रोसेस में कमी आ जाती है। देखिए एक नॉर्मल केस में प्रेगनेंसी के लिए जितने शुक्राणु स्त्री के शरीर में जाते हैं उसके 50% कम से कम जो हैं गर्भाशय की तरफ बढ़ने ज़रूरी हैं। ऐसा ना होना प्रेगनेंसी के चांसेस को बहुत हद तक कम कर देता है। तो दोस्तों यह तो थे पुरुष बांझपन के कारण। आइए अब जानते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका रिव्यू हम आज करने वाले हैं, जो कि आपकी शुक्राणुओं से संबंधित हर समस्या को दूर करने वाला है। इसका नाम है मैनश्योर। दोस्तों एक कैप्सूल फॉर्म में आते हैं जिसका सेवन आपको सुबह और शाम 2-2 कैप्सूल गर्म दूध के साथ करना है। इसको लेने से क्या होगा, सबसे पहले तो जो आपकी स्पर्म काउंट है वो नेचुरली बूस्ट होंगे, उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और वो नॉर्मल हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो शुक्राणुओं की क्वालिटी है यानी गुणवत्ता है उसको इम्प्रूव करता है, उसको बढ़ाता है। इसके अलावा यह जो स्पर्म की मोटिलिटी स्पीड है उसको नॉर्मल कर देता है। इसके लेने से आपके शरीर में सीरम टेस्टोस्टेरोन और जो हार्मोन लेवल है वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। यह आपके PRL और FSH लेवल को भी नॉर्मल करता है। जो FSH और PRL लेवल हैं वो शुक्राणुओं की गुणवत्ता का एक इंडिकेटर होते हैं। मैनश्योर में कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हार्मोन लेवल को बूस्ट करते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। दोस्तों ये जो कैप्सूल हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से बने हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हर 500 mg के कैप्सूल में गोंधाक यानी कि धाक की गोंद, कीकर की गोंद, शतावर, अश्वगंधा, आंवला, विधारा, गोखरू, लौंग, बड़ी इलायची, जायफल, आकरा, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज, इमली के बीज, दालचीनी, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, सलाब मिश्री, वंग भसम। दोस्तों जो है वो बहुत ही महंगा आता है और यह स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अभाक भसम और सोडियम बेनोजेट जो कि शायद कैप्सूल के फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया गया है। तो दोस्तों ये सभी जो हैं एक 500 mg के कैप्सूल में आपको मिलेंगे। तो इसके लेने से आपका जो PRL है वो इम्प्रूव होगा, जिससे आपकी स्पर्म काउंट बढ़ेगी और जो है स्पर्म की गुणवत्ता जो है वो भी इम्प्रूव होगी। इसका सेवन आपको 3 महीने तक लगातार करना है, सुबह और शाम 2 कैप्सूल गर्म दूध के साथ, हल्के गर्म दूध के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये कैप्सूल खरीदना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।